और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एनआईए की छापेमारी पर। गृह मंत्रालय बैठक खत्म हो चुकी है, एनएसए और एनआईए के साथ अमित शाह की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में एनआईए की छापेमारी पर चर्चा हुई है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही बैठक के बाद। और अब एनआईए की छापेमारी पर गृह मंत्रालय में बैठक खत्म हो चुकी है। गृह मंत्रालय में एनआईए की कार्रवाई पर चर्चा हुई, उस पर मंथन हुआ। एनएसए अजीत डोभाल और एनआईए के साथ अमित शाह की बैठक खत्म हो चुकी है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एनआईए और एनएसए अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक में थे और तमाम विषयों पर एनआईए की इस कार्रवाई पर बातचीत हुई, चर्चा हुई। और एनआईए ने पीएफआई और उससे जुड़े लिंक पर देश भर में छापेमारी की है। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई की है। ईडी, एनआईए और राज्यों की पुलिस ने 11 राज्यों से पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया है। एनआईए ने पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमएस सलाम और दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से कुछ लोगों को एनआईए के दिल्ली हेडक्वार्टर लाया जा सकता है। ऐसे में एनआईए के दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एनआईए ने मध्य प्रदेश, यूपी, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में पीएफआई और उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए को भारी संख्या में पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली है, जिसके आधार पर जांच एजेंसी आज मैसिव क्रैकडाउन कर रही है। 11 राज्यों में ईडी, एनआईए और राज्यों की पुलिस ने 106 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की ट्रेनिंग, गतिविधियों और टेरर फंडिंग और उसके अलावा लोगों को संगठन से जोड़ने को लेकर यह अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, मंगलुरु, पूर्णिया के अलावा तमाम ऐसे शहर देश भर के, जिसमें उज्जैन, इंदौर भी शामिल है, वहां भी बड़ी कार्रवाई की गई है। उन्हें हिरासत में लिया गया है जिन पर संदिग्ध स्थितियां पाई गई है, गतिविधियां में जो शामिल रहे हैं। और इंदौर में एनआईए के एक्शन पर गृहमंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है। पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए ने कार्रवाई की, यह बात कही नरोत्तम मिश्रा ने। मध्य प्रदेश पुलिस के सहयोग से इंदौर में कार्रवाई हुई है, पूरी जानकारी गृह मंत्रालय के पास है, ये बात कही है नरोत्तम मिश्रा ने। तो एनआईए के एक्शन पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया, उन्होंने कहा पूरी जानकारी गृह मंत्रालय के पास है और पुलिस के सहयोग से कार्रवाई संभव हुई है। देश में कई जगह पर एनआईए ने कार्रवाई की है, ऐसा आपके माध्यम से पता चला। उसमें एक मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश में भी राज्य की पुलिस के सहयोग से, इंदौर की पुलिस के सहयोग से यहाँ पर भी उन्होंने कार्रवाई की है। आप लोगों के माध्यम से जैसी जानकारी आ रही है, पूरे देश में 100 के ऊपर है, ये आप लोगों से जानकारी आ गई और हमें इस विस्तार से जानकारी देना नहीं चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है, क्योंकि एनआईए स्वयं इसकी अपडेट कर रही है और बार बार जानकारी दे रही है। विषय गंभीर है और इसलिए उसकी मर्यादा रखनी चाहिए। इंदौर के मुंबई बाजार स्थित छिपा बाखल क्षेत्र में पीएफआई के ऑफिस में हुई कार्रवाई को लेकर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि एनआईए द्वारा जो छापेमारी कार्रवाई की गई है उसके बारे में उन्हें जानकारी दी गई थी। गौरतलब है कि इंदौर कलेक्टर ने करीब साल भर पहले ही पीएफआई की गतिविधियों के बारे में चर्चा करके जागरूक रहने के लिए कहा था। कलेक्टर ने कहा कि इंदौर में एक चोरी वाले के साथ हुई मारपीट के बाद पीएफआई संगठन से जुड़े होने की बात भी सामने आई थी। इस संबंध में पूरी जानकारी एनआईए द्वारा ही दी जाएगी। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वह प्रशंसनीय है। एनआईए ने कुछ टीम्स ली थी, हम लोगों से भी मजिस्ट्रेट्स और गेस्टेड ऑफिसर लिए थे और आज सुबह फिर ज्ञात हुआ कि पीएफआई के किसी संस्थान पर जवाहर मार्ग में कार्रवाई हुई है और राष्ट्रीय स्तर पे भी अखबारों में आया, सोशल मीडिया में आया कि सब जगह कार्रवाई चल रही है। तो यहाँ पर भी इंदौर में भी जो लगभग एक साल पहले जैसा आपने बोला अभी कि जो चूड़ी वाली घटना हुई थी उसमें कहीं ना कहीं युवा मुसलमान बहुत एकदम से उनको भड़काने का प्रयास हुआ था। युवाओं को शिक्षा की आवश्यकता होती है, अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है, उनकी प्रतिभा को और उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है, न कि इस बात की आवश्यकता होती है कि उसको कोई भड़काए। और इंदौर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई पर किस तरह की कार्रवाई रही, किस तरह की तस्वीरें सामने आई है, रिपोर्ट देखिए हेमंत शर्मा की। मैं मौजूद हूं पीएफआई के इंदौर स्थित दफ्तर पर। यहां पर पीएफआई के प्रमुख जो थे वो यहां पर बैठते थे। इंदौर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मोहम्मद खालिद और पीएफआई प्रमुख अब्दुल करीम जो है वो इसमें शामिल है। मोहम्मद करके एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इन तीनों की निशानदेही पर उज्जैन में कार्रवाई की गई और उज्जैन से भी एक व्यक्ति को, युवक को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जो है वो एनआईए लगातार जारी कर रही है।
इंदौर की अगर बात किया तो इंदौर में यहाँ से दफ्तर संचालित हो रहा था, जो पीएफआई मध्य प्रदेश प्रमुख है उनको यहाँ से गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश के जो पीएफआई प्रमुख है वो यहाँ पर जिम में ट्रेनिंग देते थे, पास में ही एक जिम है जहाँ से उन्हें गिरफ्तार किया है। सुबह 4 बजे यहाँ पर टीम पहुंची थी और 7 बजे तक यहाँ पर कार्रवाई जारी रही और इसके बाद में उज्जैन रवाना हुई है। फिलहाल जो कार्रवाई है वो अलग अलग जगहों पर जारी है और इंदौर से अब टीम यहाँ रवाना हो चुकी है।